शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और देखिए, अफोर्डेबल कार सेगमेंट की सरताज मारुति का फोकस अब सेफ्टी रेटिंग सुधारने पर बढ़ने जा रहा है, और इसके लिए मारुति घरेलू बाजार में बिकने वाली अपनी गाड़ियों में कई बदलाव करने की भी तैयारी कर रही है। उत्कर्ष मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, बताइए कौन कौन से वो बदलाव हैं जो मारुति यहाँ पर कर सकती है, खासतौर पर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। देखिए, मारुति का जो फोर्टे है वो है लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू फॉर मनी गाड़ियाँ बनाना, और इसीलिए जो छोटी गाड़ियों का सेगमेंट है वहाँ मारुति का दबदबा खासा है। लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर करीब करीब जो कस्टमर प्रेफरेंस है और जो कंपटीशन है, दोनों में काफ़ी बदलाव हुआ है। पहले तो किया, MG जैसे कार कंपनीज आए हैं जो कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, इंटरनेट गाड़ी में लेकर आए हैं, वो मारुति से नदारद है और उसको फॉलो किया है फिर महिंद्रा और टाटा ने। दूसरी बात हो जाती है सेफ्टी रेटिंग्स की, जो NCAP रेटिंग्स हैं वहाँ पर चाहे महिंद्रा की गाड़ी हो या टाटा की गाड़ी हो, ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ 4 से 5 रेटिंग पर हैं, जहाँ पे मारुति की गाड़ियों की जो रेटिंग है वो काफ़ी ख़राब है। कुछ दिन पहले ही स्विफ्ट और बलेनो की रेटिंग आई, वो 0 रेटिंग थी। एस्प्रेसो की रेटिंग करीब 0-1 के आसपास है। केवल विटारा ब्रेजा है जिसकी 4-स्टार रेटिंग है। और अब मारुति को ये लग रहा है कि अगर दोनों इन पहलुओं पर काम नहीं करा गया तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में सेल और मार्केट शेयर दोनों में फ़र्क पड़ सकता है। इसीलिए मारुति ने अब ये फैसला लिया है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं उन पे मारुति आगे काम करेगी। तो सबसे पहले जो आपको टोयोटा की SUV, टोयोटा के साथ मिलकर SUV आने वाली है वो अगले साल आएगी, उसमें आपको काफ़ी सारे कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे और कंपनी की कोशिश है कि 5-स्टार या 4-स्टार रेटिंग मिले, क्योंकि उस सेगमेंट में वैसे भी जब आप 15 लाख के सेगमेंट में आते हैं क्रेटा कंपटीशन में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड कार देनी पड़ती है और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेफ्टी मैटर करती है वहाँ पर। लेकिन वही नहीं, हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि जो नीचे की गाड़ियाँ हैं, चाहे अर्टिगा हो या स्विफ्ट हो, बलेनो हो, उनकी भी रेटिंग्स को सुधारने की कोशिश मारुति करेगी। लेकिन यहाँ पे चैलेंज क्या है, यहाँ पे चैलेंज ये है कि मारुति की जो कॉस्ट होगी, जो इनपुट कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी। कैपेबिलिटी मारुति के अंदर है, क्योंकि यूरोप में जो सुजुकी की गाड़ियाँ जाती हैं वो बेटर रेटेड होती हैं, उनकी सेफ्टी ज़्यादा बेटर होती है। लेकिन हिंदुस्तान में जो गाड़ियाँ बन के आती हैं उनको वैल्यू फॉर मनी बनाने के लिए कॉस्ट कटिंग में करी जाती है। इसके साथ कैसे मारुति एक अलाइनमेंट करेगा कि गाड़ियों की कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा ना बढ़े कि मार्जिन पर फ़र्क पड़े, लेकिन जो कार्स हैं वो कनेक्टेड भी हों और सेफ भी हों, ये देखने वाली जो जो प्रोसेस है वो रहेगी मारुति को लेकर। ठीक है, शुक्रिया।